टाइम में आधार कार्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आधार का पैन कार्ड से लिंक होना। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक नहीं कराया है तो आपके पास अब वक्त कम बचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मैं हूँ प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। अगर आप तब तक अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है, साथ ही आपको जुर्माना भी लग सकता है। तो जल्दी ही थोड़ा सा वक्त निकालकर घर बैठे ही इस जरूरी काम को निपटा लीजिए, क्योंकि ये एक जरूरी प्रोसेस है। इसके जरिए आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस कर सकते हैं, साथ ही 50,000 या इससे ज्यादा के अमाउंट की बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए भी आपका आधार कार्ड पैन नंबर से लिंक होना चाहिए। तो चलिए आगे इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप घर बैठे आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि पैन को आधार से लिंक करने के दो तरीके हैं। पहला है कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स भरकर वहां इसको लिंक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है एसएमएस के जरिए। आपको डिटेल्स के साथ 567678 पर एसएमएस भेजना होगा। इन्हीं दो तरीके से आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। ई फाइलिंग वेबसाइट के जरिए पैन और आधार लिंक करने के स्टेप्स ये है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करना होगा, फिर लिंक आधार पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपने कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स भरने होंगे, जैसे आधार कार्ड में दिया आपका नाम, आधार नंबर और पैन नंबर, फिर आपको एंटर करना होगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड एंटर करना होगा। लास्ट में लिंक आधार बटन पर क्लिक करना होगा। डिटेल सही होने पर आपका आधार कार्ड पैन से लिंक हो जाएगा। अब आपको बताते हैं एसएमएस भेजकर पैन को आधार से लिंक करने का तरीका। अपने फोन पर कैपिटल लेटर में टाइप करें UIDPN और इसके बाद स्पेस देकर अपने 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें और फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें। इस एसएमएस को 567678 या फिर 56161 पर भेज दें और ऐसे आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा। इसके अलावा आप फॉर्म भरकर भी पैन आधार लिंक कर सकते हैं। आप NSDL पैन सर्विस प्रोवाइडर के पास जाकर मैन्युअली भी पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज भी सबमिट करने होंगे। अगर आपने 31 मार्च 2021 तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है। आखिरी डेट निकलने पर आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। इतना ही नहीं, जब आप अपना आधार कार्ड एक्टिवेट करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि पैन कार्ड धारक को आयकर अधिनियम के तहत दंड भी भुगतने होंगे। आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप इनकम टैक्स, लोन या फिर इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल भी देरी न करें और जल्द ही अपना आधार कार्ड पैन से लिंक कर दें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।